चंदौसी विधानसभा क्षेत्र 31 से बीजेपी प्रत्याशी गुलाबो देवी के चुनाव कार्यालय का आज धूमधाम से उद्घाटन किया गया, जिसमें नगर की संभ्रांत व्यक्ति तथा पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यालय का उद्घाटन चंदौसी नगर के व्यापारी अरविंद अग्रवाल ने फीता काट कर किया। इस मौके पर बीजेपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने बताया कि इस बार भी हमारी जीत प्रचंड वोटों के साथ होगी तथा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो लोग विरोध करते हुए सामने आ रहे हैं वे हमारी पार्टी के लोग नहीं हैं। सभी कार्यकर्ताओं से गुलाबो देवी ने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर वोटों को समझाने के लिए अपील की। सभी सम्मानित व्यक्तियों तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। पूर्ण विश्वास के साथ में कार्यकर्ताओं की मेहनत और निष्ठा और आस्था के बल पर और पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनके आधार पर ये कह सकते हैं कि यहाँ प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार आएगी और ये सीट बहुत अच्छी वोटों से जीतेगी। अच्छा अमन जी, ये भी देखा जा रहा है कि जगह जगह आपका कुछ आपकी ही पार्टी के लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग टंकी पर भी चढ़ गए, इस तरह के पुतले वगैरह भी जलाए गए, इसको किस तरह से देखते हैं? ये आपकी पार्टी के ही लोग हैं? नहीं, हमारी पार्टी में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है और ना कोई विरोध कर रहा है। अच्छा मंत्री, देखा गया है कि विकास को लेकर कई तरह के लोगों में आपकी नाराजगी है कि जिस स्तर से चंदौसी का विकास होना चाहिए था उस स्तर से विकास नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नगर पालिका भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि नगर पालिका की भी लापरवाही के चलते थोड़ा आपको नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है? योगी जी की सरकार में इतना विकास हुआ है कि चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, फिर भी यदि कहीं कुछ रह गया होगा, चाहे वो नगर पालिका से संबंधित हो और चाहे वो हमारे द्वारा संभव हो, वो सारा हम पूरा करेंगे। अखिलेश यादव करल से चुनाव लड़ रहे हैं, कितने देर से देखती हैं आप उसको? पहले उन्होंने और कभी चुनाव नहीं लड़ा। जी जी, कैसे देखती हैं आप? मैं केवल अपनी पार्टी के प्रत्याशी की ओर देखती हूँ और अपनी ओर देखती हूँ। कौन कहाँ से लड़ रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं।